हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के बारे में। तो देखिए, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को हम 12 पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के बारे में, एंड थर्ड वीडियो में आपको आर्चेज ऑफ फुट के क्लिनिकल बताऊंगा। तो देखिए, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के 12 पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको जनरल ओवरव्यू देना चाहता हूँ आर्चेज ऑफ फुट के बारे में। तो देखिए, ये है हमारा फुट, ये है इसकी मीडियल साइड एंड दिस इज फुट की लेटरल साइड। तो अगर आप फुट को लॉन्गिट्यूडनली देखें, तो इसमें एक वेवी पैटर्न बन रहा है, यहां से यहां तक फ्लैट है, देन एक आर्च आ रही है एंड देन अगेन फुट फ्लैट है। तो ये जो एक आर्च आ रही है मीडियल साइड लॉन्गिट्यूडनली देखने पे, इसी आर्च को हम बोलते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। अब हम देखते हैं लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। अगर हम देखें लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, तो देखें यह भी आगे से यहां तक फ्लैट है, देन एक छोटी सी आर्च आ रही है, देन अगेन फ्लैट है। तो जो हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होती है वो थोड़ी हायर होती है। देखें, अगर ऐसे देखें तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च हायर होती है एंड जो हमारी लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होती है वो थोड़ी लोअर होती है। सो फर्स्ट पॉइंट इज फीचर्स। जो हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होती है वो हायर होती है एंड मोर मोबाइल एज कम्पेयर टू लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। रेजिलियंट होती है, मतलब इट कैन विदस्टैंड डैमेज और काम करती है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। सेकेंड और थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे इसके एंड। जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होता है उसका एंटीरियर एंड कौन बनाता है और पोस्टीरियर एंड कौन बनाता है। तो देखिए, ये वाला डायग्राम आपको मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में बनाना है। एनाटॉमी में हमेशा आपको इजी डायग्राम प्रीफर करना होता है। तो जो हमारा एंटीरियर एंड है वो बनाती हैं हेड ऑफ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेटाटार्सल, और जो हमारा पोस्टीरियर एंड होता है वो हमारा बनाता है ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम, मीडियल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके समिट के बारे में। देखिए, समिट होता क्या है? समिट होता है टॉप ऑफ माउंटेन। तो जो हमारा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है उसका टॉप कौन बनाता है? देखिए, ये है हमारा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, तो इसका टॉप हमारा बना रहा है टैलस का आर्टिकुलर सरफेस। सो आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द टैलस क्या बनाता है? इसका समिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिलर्स के बारे में। देखिए, बिल्डिंग में अगर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में पिलर्स है, उनका काम क्या होता है? फर्स्ट फ्लोर से जो वेट है उसको ट्रांसमिट करना ग्राउंड फ्लोर पे। तो हमारे यहाँ पे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के केस में जो एंटीरियर पिलर की तरह काम करते हैं और पोस्टीरियर पिलर की तरह काम करते हैं वो है हमारी बोन्स, जो वेट ट्रांसमिशन में हेल्प करती हैं। तो एंटीरियर पिलर कौन सी बोन्स बनाती है? ये टार्सल बोन, क्यूनिफॉर्म बोन, थ्री क्यूनिफॉर्म बोन, मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म, हमारी नेविकुलर और टैलस। ये सारी बोन मिलके हमारी बनाती है, हमारा बनाती है एंटीरियर पिलर। एंड पोस्टीरियर पिलर इज फॉर्म्ड बाय मीडियल हाफ ऑफ कैल्केनियम। मेन जॉइंट कौन सा होता है इसमें? टैलो कैल्केनियो नेविकुलर। अब देखिए, आपको इसके नाम से समझ आ जाना चाहिए, टैलो मतलब टैलस, कैल्केनियो मतलब कैल्केनियम बोन एंड नेविकुलर बोन। जो जॉइंट हमारा टैलस, कैल्केनियम और नेविकुलर बोन के बीच में प्रेजेंट होता है वही हमारा इसमें मेन जॉइंट होता है। नेक्स्ट बोनी फैक्टर। देखिए, बोनी फैक्टर है वेज शेप। जो बोन्स होती है उनका शेप होता है वेज, वेज इस टाइप से कुछ शेप होता है। तो इसी शेप की वजह से हमारी आर्च बनती है, लेकिन मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के केस में वेज शेप इतना इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है। नेक्स्ट इज इंटर सेगमेंटल टाई। देखिए, ये हमारे सेगमेंट्स हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के। तो इंटर सेगमेंटल टाई यानी जो हमारा ये लिगामेंट है, ये कैल्केनियम और नेविकुलर बोन को जोड़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंटर सेगमेंटल टाई, और इस लिगामेंट का नाम होता है स्प्रिंग लिगामेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाई बीम्स। तो देखिए, जैसे घर होता है, ये हमारे घर की रूफ होती है, तो ये रूफ को रोकने के लिए इनके बीच में एक बीम लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं टाई बीम।
ऐसे ही मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को सपोर्ट करने के लिए, उसको सेम उसकी शेप में रखने के लिए हमारी प्लांटर एपोन्यूरोसिस और सोल की मसल्स होती हैं। तो प्लांटर एपोन्यूरोसिस, एबडक्टर हेल्यूसिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, ये हमारी क्या बनाती है, टाई बीम्स। अब देखिए एबडक्टर हेल्यूसिस, हेल्यूसिस मतलब क्या होता है, ग्रेट टो को हम हेलक्स भी बोलते हैं। तो सोल की एक मसल आएगी एबडक्टर हेल्यूसिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम। डिजिटोरम क्यों बोलेंगे हम, डिजिट्स, तो यहाँ पे डिजिट्स होंगी। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस का भी मीडियल पार्ट और प्लांटर एपोन्यूरोसिस का मीडियल पार्ट हमारा क्या बनाएगा, टाई बीम बनाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लिंग। देखिए स्लिंग क्या होता है, जैसे कभी हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है तो हमारे हाथ को एक प्लेस पे रखने के लिए गले और हाथ के बीच में एक क्लोथ बांध दिया जाता है, जिससे वो हमारा सपोर्ट रहे, हाथ एक सपोर्ट में रहे। तो सपोर्ट का काम कौन करता है, जो टीबियलिस पोस्टीरियर होता है, फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस होता है और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, इन तीनों मसल्स के जो टेंडन होते हैं वो सपोर्ट का काम करते हैं और हमारी जो आर्च है उसको उठा के रखते हैं। तो देखिए सपोज ये है हमारी आर्च, इसको पुल अप करके रखते हैं तीन टेंडन, टीबियलिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। तो ये है हमारा पर्पल में टीबियलिस पोस्टीरियर, देन ब्लू में फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस एंड फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस ऑरेंज में। तो ये तीनों क्या करते हैं, स्लिंग का काम करते हैं। लास्ट जो हम बात करेंगे सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है। तो जो हमारा टीबियलिस एंटीरियर और पेरोनियस लॉन्गस का जो टेंडन होते हैं वो हमारे इसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में आपको इतने ही 12 पॉइंट्स में पूरा समझा देना है, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में भी यही 12 पॉइंट्स होंगे और डायग्राम दोस्तों आपको यही बनाना है। थैंक यू, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।